हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा एसटीसी इंजेक्टर में जो है लूप वायर जो है कैसे पहुंचता है। ये देखिए, उस साइड में जो है एक एसटीसी वाल्व लगा होता है, उसके द्वारा जो है लूप वायर जो है इस कनेक्शन में आता है और इसके थ्रू जो है, इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें जो है इस तरह से जो है लूप वायर इसके थ्रू होता हुआ जो है इंजेक्टर में जो है जाता है। जो इससे पहले राकर लगाने के पहले जो हमने कनेक्शन लगाया था उसी के थ्रू होता हुआ जो है लूप वायर जो है इंजेक्टर के अंदर जो है जाता है। जैसे जो है इंजेक्टर में जो एसटीसी टपेट होता है उसमें जो है आयल जाता है, जिसकी वजह से जो है इसकी स्टार्टिंग जो है एडवांस होती है और रनिंग जो है रिटार्ड होता है। ये कनेक्शन देखिए बहुत हिसाब से जो है इसको लगाया जाता है। ये देखिए, क्योंकि उसमें जो हमने इससे पहले पाइप का कनेक्शन जो लगाया था वो उसमें जो है थ्रेडिंग होती है, जिसके द्वारा ये जो है लूबाइल का मेन कनेक्शन जो है इसी पाइप के द्वारा जो है उसमें फिट होता है। इस तरह से जो है मेन सप्लाई जो है हम लोग इसमें फिट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो जो भी नया वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जिससे जो है आपको नई नई जानकारियाँ जो है इंजन के बारे में पता चलता रहेगा कि इसमें क्या होता है। तो उस तरह से जो है हम लोग इसमें वीडियो बनाते रहते हैं। अगर हो सके तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।